चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर। आज मेरे पास एक मोबाइल होल्डर है फॉर बाइक, और ये बोबो ब्रांड का एक मोबाइल होल्डर है। BM10H Pro इसका मॉडल नेम है। हम अमेजोन से इसको 2300 रुपीज में परचेज किए हैं, और हम आज के इस वीडियो में इसको मीडिया और 350 के ऊपर लगाने वाले हैं। साथ ही राइडिंग के समय कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, प्रॉपर इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। बट वो सारा कुछ स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। हम इसको अमेजोन से ऑर्डर किए थे, बट यहाँ पे जो बॉक्स है इसके ऊपर अमेजोन का कहीं पे भी कोई ब्रांडिंग नहीं दिखता है, मतलब Amazon का कोई भी बॉक्स पैकिंग नहीं दिखता है। बोबो का ही यहाँ पे डायरेक्ट बॉक्स पैकिंग यहाँ पे देखने के लिए मिला हमको। और इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है। इस बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मॉडल नेम मेंशन है BM10H Pro। बॉक्स पे जो इसका MRP प्राइस मेंशन है वो 4499 है। इसी मोबाइल होल्डर का एक नॉन प्रीमियम वेरिएंट भी आता है जो कि आपको 2000 रुपए से नीचे मिल जाएगा, BM10H, और ये थोड़ा सा प्रीमियम मॉडल है BM10H Pro। और ये जो मोबाइल होल्डर है ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है, एटलीस्ट अभी तक तो ऑन पेपर है, बाकी इसका वाटर प्रूफ टेस्टिंग भी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉक्स में जो है ना ऊपर में इस तरीके से ये मोबाइल होल्डर रखा हुआ है। इसके अलावा इसको असेंबल करने के लिए हैंडल बार पे कुछ एक्सेसरीज भी यहाँ पे दिया गया है। सो बॉक्स के अंदर आपको इस तरीके का मोबाइल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे जो है ना हैंडल बार पे माउंट करने के लिए कुछ एक्सेसरीज है। अब इस मोबाइल होल्डर को जो है ना इस कार्डबोर्ड से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे आपको पीछे में एक रिंग मिलता है, तो इस रिंग को जस्ट आपको ओपन कर लेना है। इस रिंग को बाहर निकालने के बाद जो है ना आपको इस पार्ट को बाहर निकाल लेना है, एंड देन जो है ना आप इस मोबाइल होल्डर को इस कार्डबोर्ड से आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। अब वापस से इस पार्ट को जो है ना आपको इसके बैक साइड में लगा के इस रिंग को टाइट कर देना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख हैं कि इस मोबाइल होल्डर के साथ जो है ना क्या क्या एक्सेसरीज आपको मिल जाता है। एक आपको यहाँ पे एलन की मिल जाता है, एक आपको इस तरीके का बॉल हेड मिल जाता है, इसके अलावा 22mm का और ये 25mm का इस तरीके का आपको प्लास्टिक का छोटा छोटा पीस मिल जाता है। और ये जो प्लास्टिक का आपको एक्स्ट्रा फ्रेम मिलता है ना अलग अलग साइज का, इसका यूज करके ये जो बॉल हेड माउंट है ना इसको आप अपने हैंडल बार में, बाइक के हैंडल बार में जो कि अलग अलग थिकनेस का होता है उसमें प्रॉपरली टाइट कर पाएंगे। बिकॉज अगर आप इन प्लास्टिक्स को यूज नहीं करते हैं फिर ये जो बॉल हेड माउंट का फ्रेम है ना ये आपके हैंडल बार के थिकनेस से काफी ज्यादा है, और आप इसको अपने हैंडल बार में टाइट नहीं कर पाएंगे अगर आप इन प्लास्टिक के पीसेस को यूज नहीं करते हैं तो। एंड इस तरीके का आपको एक रबड़ का छोटा सा पीस मिल जाता है जो कि आप अपने हैंडल बार के चारों ओर जो है ना इस तरीके से लगाएंगे, और इसी के ऊपर जो है ना आपका बॉल हेड माउंट जो है ना वो लगेगा। किस तरीके से लगेगा वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो मीटियर 350 है ये हम 2022 में परचेज किए थे। सुपरनोवा रेड वेरिएंट है मेरा, और इसमें जो है ना ट्रिपल नेविगेशन स्टैंडर्ड नहीं आता है, एज ए एक्सेसरीज हमको परचेज करना होता है, और फिलहाल वो आउट ऑफ स्टॉक है तो अभी तक यहाँ पे ट्रिपल नेविगेशन नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि इस मोबाइल होल्डर को इसी जगह पे माउंट किया जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना है ये जो बॉल हेड वाला माउंट मिलता है ना इसमें आपको एलन की का यूज करके ये जो आपको एक स्क्रू दिया गया है इसको जस्ट अनस्क्रू कर लेना है, तो ये जो बॉल हेड माउंट है ना ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है और इजिली आप इसको जो है ना अपने हैंडल बार में लगा पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपको रबड़ का पीस मिलता है ना इसको आपको अपने हैंडल बार पे लगा लेना है। इसमें एक साइड जो है ना आपको स्टिकी मटेरियल देखने के लिए मिलेगा, तो इसको हम यहाँ पे हैंडल बार पे लगा लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लोज करके हम आपको दिखा देते हैं कि कुछ इस तरीके से जो है ना हम इसको हैंडल बार पे लगा दिए हैं। इसके बाद जो बॉल हेड माउंट है इसमें जो भी फ्रेम आपको कंपेटेबल लगे उस फ्रेम को यहाँ पे इस तरीके से लगा लेना है। तो यहाँ पे जो है ना हम एक 25mm वाला और एक 22mm वाला फ्रेम यहाँ पे इस तरीके से लगाए हैं। उसके बाद आपको इस बॉल हेड माउंट को जो है ना हैंडल बार पे अच्छे से टाइट कर लेना है इस एलन की के हेल्प से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉल हेड माउंट है ना ये प्रॉपरली टाइट हो गया है, बिल्कुल एकदम हिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉल हेड माउंट है, और ये जो बोबो का आपको मोबाइल होल्डर मिलता है ना इसके नीचे में ये जो छोटा वाला रिंग है ना इसको जस्ट आपको ओपन कर लेना है इस तरीके से, और ओपन करने के बाद जो है ना इसको आपको इस बॉल हेड माउंट में इस तरीके से डाल देना है। फिर ये वाला जो एंड है ये एंड आपके इस बॉल हेड पे चला जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेस करना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल होल्डर है ये बॉल हेड में चला गया अंदर, और ये इस तरीके से जो है ना अब मूव करेगा बॉल हेड के ऊपर। अब उसके बाद ये जो छोटा वाला रिंग था इसको जस्ट आपको ऊपर करके यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर देना है ताकि ये जो मोबाइल होल्डर है ये बॉल हेड में एकदम टाइट रहे, और एक बार जब आप इस छोटे वाले रिंग को टाइट कर देंगे ना उसके बाद ये मोबाइल होल्डर थोड़ा भी मूव नहीं करेगा। तो जिस भी एंगल पे आपको इसको सेट करना है उस एंगल पे सेट कर लीजिएगा, और उसके बाद इस स्क्रू को या इस रिंग को जो है वो टाइट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल होल्डर के ऊपर में जो है ना इस तरीके का एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, साथ ही बैक साइड में भी जो है ना आपको इस तरीके का ट्रांसपेरेंट एरिया मिलता है, तो इसमें भी एक प्रोटेक्टर था उसको भी हम निकाल देते हैं। अगर आपको इसको ओपन करना है तो यहाँ पे आपको तीन साइड से लॉक मिलता है, नीचे के साइड से एंड एक लेफ्ट साइड से। उसके बाद आप इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं, और ये एक कंप्लीट वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर होगा आपके बाइक के लिए। आप चाहें तो इसका प्रो वेरिएंट जो कि हम आपको दिखा रहे हैं वो ले सकते हैं,
या फिर इसका एक नॉन प्रो वेरिएंट आता है वो भी आप ले सकते हैं। दोनों का ही लिंक जो है हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना एक 6.5 इंच डिस्प्ले साइज का फोन है और इसको अगर हम इस मोबाइल होल्डर के अंदर रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली जो है इसके अंदर फिट हो गया है। एंड इसके साथ आप टच स्क्रीन को भी प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऐप आपको यूज़ करना हो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टच जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे अभी भी जो है ना साइड में काफ़ी सारा स्पेस बचा हुआ है, मतलब आप इजीली जो है ना 6.7-6.8 इंच तक का फ़ोन जो है वो इस मोबाइल होल्डर में यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो कवर है ना ये 100% वाटरप्रूफ है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी का स्प्रे मार के देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना हम इसके ऊपर वाटर स्प्रे कर दिए हैं। अब इस मोबाइल होल्डर में से जो है ना मोबाइल को बाहर निकालेंगे ताकि एक बार चेक कर लें कि ये कितना वाटरप्रूफ है और हम हर एक एंगल से इस पे वाटर जो है वो स्प्रे करके देख लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पोंछ लेते हैं पहले। अब यहाँ पे जो है ना मोबाइल होल्डर में से मोबाइल को बाहर निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर एक्चुअली में वाटरप्रूफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको मोबाइल पे कहीं पे भी कोई जो है ना वाटर ड्रॉप जो है वो नहीं दिख रहा है और कोई भी ऐसा मतलब वेट जैसा हल्का भी फील नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वाटरप्रूफ है। बाकी लॉन्ग टर्म में जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इस मोबाइल होल्डर में जो है ना नीचे में आपको यहाँ पे होल मिल जाता है जिसके लिए कैप भी दिया गया है। तो अगर आपका टाइप ए टू टाइप सी केबल इससे पार हो जाता है ना, जब आप राइड कर रहे होंगे, जब आपका मोबाइल इस मोबाइल होल्डर में होगा ना, तो उस समय पे आप चार्ज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोबो का ये जो मोबाइल होल्डर है ना, ये हम हाईवे राइड के समय पे यूज कर रहे थे और हमको काफी स्टेबल लगा। अब जैसा आपके बाइक में वाइब्रेशन होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे इस मोबाइल होल्डर में भी वाइब्रेशन वो फील होगा, बट डेफिनेटली अगर आप इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं तो ये काफी स्टेबल रहेगा। इसमें जो है ना टच स्क्रीन भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इसका एक नॉन प्रो वेरिएंट भी आता है और वो भी आपको कम्प्लीटली वाटरप्रूफ देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरीके का केस वाला आपको डिज़ाइन उसमें भी देखने के लिए मिलता है। और इस मोबाइल होल्डर का जो नॉन प्रो वेरिएंट है ना वो आपको 2000 रुपीज़ से नीचे मिल जाता है और ये जो प्रो वेरिएंट है ये अराउंड आपको 2300 या 2400 में अमेज़न पे मिलेगा। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों का ही बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड इस मोबाइल होल्डर का जो प्रोटेक्टिव फिल्म है ना वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव है, एक एंगल पे एडजस्ट कर लिएगा तो आपको रिफ्लेक्शन फील नहीं होगा। हम अपने आई के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए तो मेरे को मेरे फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से विजिबल है, हो सकता है कि कैमरे पे अच्छे से विजिबल ना हो। इसके अलावा अगर आपको इस मोबाइल होल्डर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं परचेज करने से पहले, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपका रिप्लाई करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।